आजम के जितने फॉलोअर हैं उससे ज्यादा तो 1 घंटे में लाइक्स हो जाते हैं कोहली के ट्वीट पे। द पापा ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट इज विराट कोहली। ही इज बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वैसे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज एनी वे बड़ी तगड़ी होती है, इज अ फिटनेस फ्रीक तो है, इज एन अमेजिंग क्रिकेटर और टीम को भी लिफ्ट करता है, इज अ लेजेंड। और जो वो डिसिप्लिन है ना सिर्फ बैटिंग का, वो जो एक फिटनेस रिजीम है, जिस तरीके से आपने जाके ग्राउंड में जो बॉडी लैंग्वेज है उस सारी चीज़ों में, आई थिंक इट्स ही इज अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर द इंडियन क्रिकेटर। दंड भी बड़ा बड़ा है, सिक्स पैक भी है, वो तो वेजिटेरियन है, सानू गोश खुआ खुआ दोषी कर देंगे ने। कोहली की आज सालगिरह, वो एक लक्ष्य लेकर आए थे दुनिया से, दुनिया क्रिकेट में, कि मुझे यहाँ पे वर्ल्ड लीडर बनना है, मेरा नाम भी कहीं ना कहीं टॉप लिस्ट में आना चाहिए। और विराट कोहली ने वो करके दिखाया वर्ल्ड क्रिकेट को। हम आपको सिर्फ रियलाइज करवा रहे हैं कि क्रिकेट के खेल को बदल दिया, फैन फॉलोइंग के लेवल को बदल दिया। सिर्फ हम एसोसिएट करते थे पागल जुनूनी फैंस फुटबॉल में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वी हैव लाइक्स ऑफ मेसी, तो ये हमने सोचा ही नहीं था कि कोई क्रिकेटर इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि पता नहीं बिलियन बिलियन कितने, मैं गिनता तो नहीं आ 100 बिलियन। मतलब बाबर आजम के जितने फॉलोअर हैं उससे ज्यादा तो 1 घंटे में लाइक्स हो जाते हैं कोहली के ट्वीट पे। विराट कोहली ने जो एक इमेज सेट किया है क्रिकेट का दुनिया भर में आने वाले बच्चों के लिए जो उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए एक ऐसा लेवल सेट कर दिया कि आप क्रिकेट में अगर कुछ बनना चाहते हैं तो आपको इस डेडिकेशन के साथ, इस फिटनेस के साथ, इस मूड के साथ क्रिकेट में आना पड़ेगा। कोई ऐसा रिकॉर्ड उसका, इवन आईपीएल की हिस्ट्री के भी सबसे ज्यादा रन उसके पास है, मोस्ट रन उसके पास है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, तो उसने कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं छोड़ा जिसको पहुंचने के लिए आपने गाइड कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। विराट ने क्रिकेट फील्ड के अंदर एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया कि इस तक सोचना भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा मुझे। एक सच बताऊं, जहां लोग इस बात पर नाराज हुए कि पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में हालत विराट ने ही बिगाड़ी, पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा बिकॉज ऑफ विराट कोहली। करंट टीम सिचुएशन देखे तो रोहित शर्मा अनफिट नजर आ रहा है, वो बल्लेबाजी में पूरे नजर है, राहुल का ये चल रहा है कि कभी कर लिए कभी नहीं किए, तो टीम को तो विराट की इस वक्त जरूरत है, खासतौर पे इस फॉर्मेट के अंदर। द पापा ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट इज विराट कोहली। अच्छा, इस पर बहुत हटती है लोगों की, लेकिन ये सच है। ऑलराइट, विराट कोहली बिकेम हैज अनदर रिकॉर्ड फॉर हिमसेल्फ, ही इज बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, ही इज नाउ द लीडिंग रन गेटर इन ऑल द टी20 वर्ल्ड कप 2022। Looked really good. Ye screen pe dikhate hain aapko. He played really well. Bakar, he's just been evolving consistently. Beech mein thoda sa bad patch aaya tha, but now he's looking, you know, super. He looked like the old Virat. I mean, confidence mein uska koi match nahi hai. Ki jab uska confidence high hota hai, uski body language different hoti hai. वैसे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज एनी वे बड़ी तगड़ी होती है, इज अ फिटनेस फ्रीक तो है, इज एन अमेजिंग क्रिकेटर और टीम को भी लिफ्ट करता है, वो कहते हैं ना कि उससे लोग बड़ा उससे सीखते हैं, इवन विद इन द टीम आई थिंक देयर लॉट ऑफ देयर प्लेयर्स, इज अ लेजेंड, आई मीन इज काइंड ऑफ अ लेजेंड दैट हू इज गोना स्टिल कैरी ऑन प्ले फॉर अनदर मे बी 4-5। सो हिज वर्ल्ड कप एवरेज, दिस वर्ल्ड कप ही स्कोर्ड 220 रन्स, आल्सो वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर्स, एंड इन ऑल वर्ल्ड कप्स हिस्ट्री, टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, ही इज नाउ द हाईएस्ट रन गेटर। दैट जस्ट इज जस्ट एन आइकॉन, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ गुड बैटिंग। हाउ डज हिज रोल नाउ इवॉल्व फ्रॉम हियर मिसबा? देखिए, ऑलरेडी जितने भी उनके यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनको अगर आप देखें तो आइडियलाइज करते हैं जिस किस्म की उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, जिसकी बॉडी लैंग्वेज है, आई थिंक दैट इज़ फेनोमिनल। और ऑलरेडी उनकी पूरी एक जनरेशन को वो जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इन द ग्राउंड। और जो वो डिसिप्लिन है ना सिर्फ बैटिंग का, वो जो एक फिटनेस रिजीम है, जिस तरीके से आपने जाके ग्राउंड में जो बॉडी लैंग्वेज है उस सारी चीज़ों में, आई थिंक इट्स ही इज अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर द इंडियन क्रिकेटर। दंड भी बड़ा बड़ा है, सिक्स पैक भी है, वो तो वेजिटेरियन है, सानू गोश खुआ खुआ दोषी कर देंगे। आई एग्री विद दिस। सर, आप लोग भी रोके अपने आप को।